अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कुछ छोटी मोटी बातें कर ली हैं जो आपने बचपन में, सर बचपन में आईपीसीसी में पढ़ी थी आपने। कुछ छोटी मोटी बातें आपके साथ कर ली जाए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 6, डिसीजन मेकिंग। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं हम कि कॉस्ट किस तरीके से इनकर होती है, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है साहब, हमें बताइए। सर सर एक बार फिर से बता दो, हम भूल गए हैं, हम भूल गए हर बात आईपीसीसी की, हम भूल गए हर बात। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक यूनिट पर अगर 10 रुपये तो 2 पर 20 रुपये, 3 पर 30 रुपये, इस तरीके से आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। सपोज हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया है कि अगर आपके मोबाइल का कॉल रेट है 50 पैसे पर कॉल एंड नो फिक्स कॉस्ट चार्जेस है, कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में चलेगा। जिस रेशियो में आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये कॉस्ट का सेक्शन है, ये कॉस्ट वाला एरिया है। तो जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। पहली बात, फिक्स कॉस्ट क्या होती है साहब, ये भी बात हमें पता है कि चाहे मर्जी आए प्रोडक्शन कर लो, आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है। वॉल्यूम के चेंज होने से आपकी कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं, ये है दूसरी बात। तो साहब अगर हमने यहां पे भी हम मोबाइल के कॉल रेट के हिसाब से भी खेल लेते हैं कि साहब कुछ ऐसे भी मोबाइल होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर होते हैं कि वो आपको फिक्स अमाउंट लेते हैं आपसे एंड वेरिएबल कुछ लेते ही नहीं, अनलिमिटेड कॉल कितनी भी करो, तो ये हो गया आपका फिक्स चार्जेस। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द पीरियड। लेवल ऑफ एक्टिविटी भी प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता है, वेरी नहीं करते हैं। सपोज हमने यहाँ मोबाइल का एग्जांपल लिया है पहले एग्जांपल में, तो दूसरे में भी हमने मोबाइल का एग्जांपल ले लिया। कॉल रेट तो कुछ लगेगा नहीं, अनलिमिटेड बात, फिक्स चार्जेस 500 रुपये पर मंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स यानी अनलिमिटेड कॉल्स। आगे कहता है, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चाहे आप साहब कुछ भी कर लो, कुछ भी प्रोडक्शन कर लो, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, यही इसी पॉइंट पर आके अटक जाएगा। चाहे कितने भी आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन करो, आपका फिक्स कॉस्ट यहीं का यहीं रहेगा। फिक्स कॉस्ट तो ऊपर बढ़ने से बढ़ रही है ना, यहां तो फिक्स है, यहां तो आपका यूनिट्स बढ़ रहा है। बात क्लियर है? यस। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सर हमने बचपन में पढ़ा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्या आप बता सकते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट इन विच वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन आर इनबिल्टेड, जिसमें शामिल होता है वेरिएबल पोर्शन भी एंड फिक्स पोर्शन भी शामिल होता है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। इसीलिए इसका नाम मिक्स कॉस्ट भी रखा गया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो दीज आर द कॉस्ट विच कंटेन्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर कॉल्ड मिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं ना, मिक्स कॉस्ट बोल दो या सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दो। For costing purpose, variable and fixed component should be separated by using high-low method. Sir, ये क्या high-low method है? Sir, हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको क्या है ये high-low method।
बट क्या है, इनको अलग करना है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स पोर्शन अलग एंड वेरिएबल पोर्शन अलग, दोनों को अलग करना है फॉर कॉस्टिंग पर्पज। आपको पता लग जाएगा कि हमें कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है। सर सर एक बात बताओ, ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आप बता रहे हैं, ये सेमी फिक्स भी तो होती है, बोलो ना। हाँ नहीं, ये सेमी फिक्स्ड कतई नहीं, ये बिल्कुल भी सेमी फिक्स्ड नहीं है। वो आईपीसीसी में आप बात पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं आपको फुल प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूं कि दिस इज नॉट द सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज ओनली द सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है सर? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमने आगे दे रखा है। क्या है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमने आगे दे रखा है आपको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सपोज आपका टेलीफोन रेंटल चार्जेस है 200 रुपए पर मंथ, महीने का टेलीफोन का चार्जेस, इवन नो कॉल, कुछ भी ना करो आपको 200 रुपए देने ही देने। ऐसे बिजली का बिल होता है साहब, एक यूनिट भी आप खर्च ना करो तो भी आपका 200 रुपए 150 रुपए 300 रुपए लोड के हिसाब से आपका बिजली का रेंटल जाता ही जाता है। तो टेलीफोन का रेंटल है 200 रुपए पर मंथ एंड कॉल रेट्स है 2 रुपए पर यूनिट फॉर ईच कॉल। कौन से जमाने का मोबाइल है कि 2 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा रहा है? ये बात समझ पा रहे हैं कि साहब पर एक भी कॉल करोगे तो भी 2 रुपए लगेंगे एंड 200 रुपए आपका फिक्स्ड रेंटल है। आगे कहता है कि साहब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। अच्छा ऊपर सर फिगर भी तो दे रखा है, इसके बारे में क्या है? एक बात बताइए, अगर आप कोई भी कॉल नहीं करेंगे तो भी आपका फिक्स कॉस्ट लगेगा? यस, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप एक कॉल करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट लगना चालू हो जाएगा। पहली ही कॉल से, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो इसमें ये यहां से चालू नहीं होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो फिक्स लगनी है, तो आपका आपकी टोटल कॉस्ट यहीं से चालू होगी ना। ये वेरिएबल वाला पोर्शन होगा, ये फिक्स वाला होगा, तो आपकी पहली कॉल से ही आपका 2 रुपए लगेगा। सर सर एक बात बताओ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? हम इसको एग्जैक्ट नहीं विजुलाइज कर पा रहे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का डेटा अलग होगा और फिक्स का डेटा अलग होगा एंड उसको आईसीआई ने मर्ज करके दे रखा है हमें। नेचर उनका वेरिएबल था, फिक्स था, उनको मर्ज करके हमें दे रखा है, सेमी वेरिएबल बना के दे रखा। अब आप इसको तोड़ो अलग करो, नहीं दोस्त ये बेला काम कराने वाला नहीं हो। सब कॉस्ट का नेचर ही ऐसा है, कॉस्ट का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो दो तरीके से इनकर होगा। टेलीफोन का खर्चा, क्या उसमें दो अलग अलग खर्चे हैं जिनको मिक्स किया है? नहीं, खर्चा एक ही है टेलीफोन एक्सपेंसेस, बट उसका नेचर इस तरीके का है कि फिक्स तो लगेगा ही लगेगा बट उसमें वेरिएबल पोर्शन भी आपका साथ साथ चलता जाएगा। तो आईसीआई ने दो खर्चों को मिला के एक साथ नहीं दे रखा है, आपके खर्चे का ही नेचर ऐसा है, तो उसमें से आपको बाइफर्केट करना है कॉस्टिंग के लिए, लागत निकालने के लिए। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितने लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, क्या मेरी बात से सहमत है? यस, बिकॉज उसने बोला भी है दिस इज मिक्स्ड कॉस्ट। मेरी बात से सहमत है? यस। अब इसको अलग कैसे करेंगे? साहब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वाला खेल खेलेंगे कि साहब चेंज इन हायर लेवल पर और लेवल लोअर लेवल पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे दोनों की को एंड वॉल्यूम को माइनस करेंगे। चेंज इन वाला फॉर्मूला होता है, इसे ही हम बोलते हैं हाई लो मेथड। एक खर्चा होता है हाई लेवल पर, हाई वॉल्यूम पर, हाई लेवल पर एक खर्चा होता है, हाई लेवल पर
एक दो खर्चे माइनस करते हैं ना, एक हाई लेवल पर एक लो लेवल पर, इसीलिए बोलते हैं हाई लो मेथड। इसको इलेबोरेट करेंगे कि ये फॉर्मूला ऐसा बना क्यों, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है। जब आपके सामने कोई चीज आएगी, क्वेश्चन आएगा, मैं आपके साथ जरूर इसको डील विद करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से डील विद करूंगा इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को रटवाऊंगा नहीं मैं, कोई भी फॉर्मूला रटवाने वाला नहीं। उसका लॉजिक क्या है उस फॉर्मूले का, याद तो आपको करना है थोड़ा सा, बट पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो बने। तो साहब उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर लेवल पर। सर सर हम कैसे निकालेंगे, इस थोड़ी सी वीडियो को कट कर देना कि सर सर हम टोटल वेरिएबल कैसे निकालेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी होंगी, चाहे हाई वाली ले लो चाहे लो वाली ले लो, कोई सी भी ले लो, जिस लेवल पर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहेंगे उस लेवल पर आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि जिस भी लेवल पर आपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट ले रखी होगी उसमें से उस लेवल की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, आपका क्या निकल आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपका निकल के आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। आइए हम अगले एग्जांपल पर चलते हैं, टेलीफोन रेंटल चार्जेस। टेलीफोन रेंटल चार्जेस कहता है रुपीज 500 पर मंथ लगेंगे अप टू 700 कॉल्स पर, एक से लेके 700 कॉल कीजिए या कुछ भी मत कीजिए तो भी आपको 500 रुपए देने ही। जैसे ही आप 700 से ऊपर कॉल्स करेंगे तो आपका 75 पैसे पर कॉल लगेगा। ऐसा होता है, यस ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी आपके प्लान होते हैं। साफ देखना एक्टिविटी जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है, ये 700 कॉल्स पर आपका खर्चा फिक्स है, और जैसी 701 भी आप कॉल करोगे तो आपका उसके बाद आपका खर्चा वेरी कर रहा है। फिक्स तो उतना रहेगा ही रहेगा, 500 रुपए का फिक्स खर्चा तो रहेगा ही रहेगा 700 कॉल तक। आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो। अच्छा इसको भी हम हाई लो मेथड से ही निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी हम हाई लो मेथड से निकालेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे देखना। वेरिएबल कॉस्ट पर सेम तरीका है इसका और उसका, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। सब हाई लेवल पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग 500 तो आएगा, 500 रुपए की जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आएगी इंक्लूडिंग, एंड लोअर लेवल पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों को माइनस करेंगे तब जाके आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। माइनस करने के बाद आप डिवाइड करेंगे चेंज इन वॉल्यूम से। आपके फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, ये भी हाई लो मेथड वाला फॉर्मूला है, इसको भी हम बोलते हैं हाई, लिख लो लिख लेना इसको हाई लो मेथड, यहाँ नहीं लिखा है इसको भी आप हाई लो मेथड ही बोलेंगे, लिख लेना हाई लो मेथड। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर, ये वाला फॉर्मूला आपने छोड़ दिया, यस अभी इसको हमने पेंडिंग कर दिया है, जैसे ही इसकी एप्लीकेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, अभी आप चलते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन मैंने बनाया है। सर ये क्या छोड़ा है, अरे वही तो चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी आप बता सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 700 के बाद से स्टार्ट होगी, तो जो आपने कॉल्स की उनमें से 700 माइनस करने के बाद जो भी कॉल बची उसी पर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, यस। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट वहां से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच या फ्रॉम वेयर द वेरिएबल कॉस्ट
will be started. क्या आप मेरी बात से सहमत है? Yes. Number of units from where? Variable cost incur. अगली बात, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वेयर वेरिएबल कॉस्ट इनकर इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. मींस आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आप माइनस करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से, तो आपका माइनस करके निकल आएगा फिक्स कॉस्ट. क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस, कम ऑन एवरीबॉडी, बताए ना. अरे सर क्या करते हो, क्या करते हो सर, इतनी तेज मत बोला करो. अरे आप सो जाते हो इसीलिए. टेलीफोन रेंटल चार्जेस कितना? 200 रुपए पर मंथ अप टू 500 कॉल्स. क्या कह रहा है कि 200 रुपए लगेंगे ही लगेंगे 500 कॉल तक. उसके बाद सपोज आपका बिल आया, कितने का आपका बिल आया एक पहले महीने का, 1000 कॉल आपने की पहले महीने, 725 1000 कॉल. ओ हो सर इतनी मैडम है ना आजकल सबके पास. उसके बाद सेकेंड मंथ 1500 कॉल्स, कितना 1250. पहले महीने 1000 कॉल की, दूसरे महीने 1500 कॉल की, पहले महीने का बिल आया 725 का, दूसरे महीने कॉल बिल आया 1250 का. तो आप बता सकते हैं कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. सबसे पहला काम तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, उसके बाद ही तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल पाएंगे. हालांकि सर हमें दे तो रखी है सर 500 कॉल पर 200 रुपये की फिक्स कॉस्ट, हाँ दे रखी है, बट आपको वेरिएबल कॉस्ट भी तो निकालनी है. क्या आप निकाल सकते हैं? यस. तो एक काम करें, अगर हमें सपोज मैं आपको लेके चलता हूं कि हमें ये पहले दूसरे महीने का बिल नहीं दे रखा हो, सपोज मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे? चेंज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं? चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कितना चेंज इन होगा? 725. बोलो ओहो मेरा बगान, मेरी फुलवारी, हायर लेवल पर आपकी 725 रुपये की कॉस्ट है. लोअर लेवल पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो लोअर लेवल आपकी 500 कॉल्स पर 200 रुपये की कॉस्ट है पर मंथ, एंड इनकी कॉल्स में डिफरेंस है 1000 हायर लेवल पर माइनस 500 लोअर लेवल पर, तो 525 रुपये का खर्चा होगा कितने में? 500 कॉल्स में. तो आपका कितना वेरिएबल कॉस्ट आया? 1.05 पर कॉल या पर यूनिट ये खर्चा आया आपका. सर अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आया कैसे, इजाद कैसे हुआ? सर ये कैसे फॉर्मूला इजाद हो रहा, कम ऑन एवरीबॉडी, बताए ना कैसे फॉर्मूला इजाद हुआ. तो देखो मैं आपके साथ खेलता हूं दोबारा से, इस 725 में क्या इन्वॉल्व है? 200 रुपए की फिक्स कॉस्ट है ना, यस, प्लस 525 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स तो 200 रुपए है ने बोला है, एंड आपने इसमें से माइनस किया 200, तो क्या मैं कह दूं ये भी तो फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल, क्या 525 रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन नहीं बचा ऊपर वाली साइड में? 200 प्लस 525, 200 फिक्स कॉस्ट के, 525 वेरिएबल कॉस्ट के, माइनस 200 फिक्स कॉस्ट के, क्या फिक्स कॉस्ट का पोर्शन कट नहीं गया? बैलेंस जो बचा ऊपर वेरिएबल कॉस्ट ही तो बची. बोलो यस, वेरिएबल कॉस्ट ही बची, और वेरिएबल कॉस्ट वो कितने की है? 525. ऊपर क्या है? 525. नीचे क्या है? 500 कॉल्स. नीचे क्या है? 500 कॉल्स. क्या आपने 500 कॉल माइनस नहीं कर दी क्योंकि फिक्स वाली थी? तो जहां तक आपका फिक्स खर्चा था वो तो सब आपने हटा दिया, तो जो ऊपर जो खर्चा बचा 525 का वो 500 कॉल्स पे बचा जो कि वेरिएबल के हिसाब से इनकर हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा आपका एडिशनल एक्स्ट्रा खर्चा है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है 500 कॉल्स पर नीचे वाले, क्योंकि 1000 पर आपने 725 और 500 पर 200, तो 500 पर जो 200 था
वो तो आपने माइनस कर दिया ना 500 पर जो 200 था वो तो आपने माइनस कर दिया। अब जो डिफरेंस 500 पर जो डिफरेंस 500 का खर्चा है, जो डिफरेंस 500 यूनिट का जो खर्चा है, 500 कॉल्स का खर्चा है वो कितना है 525, जो कि वेरिएबल ही है, पोर्शन ही वो वेरिएबल है। इसीलिए एडिशनल जो खर्चा है वो वेरिएबल है और वो किसका है, एडिशनल यूनिट्स का खर्चा है, तो वो क्या है? सारा का सारा वेरिएबल ही बचा ऊपर। इसलिए 1.05 आपका क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का खर्चा है। क्लियर है बात? यस सर आपने वेरिएबल कॉस्ट का पहले और दूसरे का तो बता दिया, ठीक है, उसमें फिक्स कॉस्ट पोर्शन था इसलिए आपने माइनस कर दिया। तो चलो साहब मैं एक काम करता हूँ आपके साथ, पहले महीने और दूसरे महीने का डेटा लेता हूँ, तब मैं आपके साथ खेलता हूँ कि 1.25 मैं आपके साथ खेलता हूँ कि साहब 1.05 सॉरी कि आपका 1.05 कैसे आएगा। देखना साहब वेरिएबल कॉस्ट पर कॉल कैसे साहब दूसरे महीने, अच्छा चलेंगे तो हायर वाली साइड पहले, अदरवाइज वैल्यू नेगेटिव आएगी, मेरी बात समझ रहे हैं? यस, क्योंकि खर्चा बढ़ा तो उसमें से अलग करना है। तो दूसरे महीने की कॉल कितनी हुई, 1500, और खर्चा कितना, 1250, तो 1250 का ये खर्चा है, बोलो ना। हाँ ओहो, और पहले महीने का खर्चा 725, इसमें तो वेरिएबल पोर्शन भी है, कितने का साहब, नीचे 1500 कॉल्स माइनस 1000 कॉल्स, इसमें खेल के आप निकाल लो साहब, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये, फिक्स कॉस्ट तो 200 ही है, प्लस बताना साहब 1050 आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सारे में से 1250 में से अगर हम 200 माइनस कर देंगे तो बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट ही तो बचा, और वो क्या है, वेरिएबल है साहब, इसमें से 200 फिक्स्ड प्लस 525 वेरिएबल, क्या अगर माइनस करेंगे तो फिक्स से फिक्स नहीं कट जाएगा। फिक्स से फिक्स कट जाएगा माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, वेरिएबल पोर्शन 1050 525, और ये 1050 1500 का खर्चा है वेरिएबल का, बोलो। यस 1500 पे जितना आया, अब उसमें से कितने से स्टार्ट हो रहा है वो बात की बात है, बट है तो इतने पे ही। अब हजार अच्छा मींस आप अगर माइनस करोगे 1050 ऊपर 1050 माइनस 525, यही तो वेरिएबल पोर्शन बचा। जब यहां से ये कट जाएगा माइनस करने के बाद, ओहो मैं एक बार फिर से खेलता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आया साहब, आपका जो 1250 था वो 200 प्लस 1050 इस तरीके से है, 200 प्लस 1050 माइनस 725 कैसे, 200 प्लस 525 देते हैं इस पेन को। अच्छा नीचे कितना है, 1500 माइनस 1000, क्या मैं कह दूं ये 200 से 200 कैंसिल, माइनस करने में तो कैंसिल हो ही जा रहा, तो ये जो भी पोर्शन है वेरिएबल है। अगर मैं 1050 में से 525 माइनस करूंगा, दोनों वेरिएबल कॉस्टों को माइनस करूंगा, तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट बचेगी। यस, वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी यूनिट्स की होगी, 1500 माइनस 1000, 500 यूनिट की,
कितने की होगी? 500 की। मीन्स 1050 वेरिएबल कॉस्ट माइनस 525 वेरिएबल कॉस्ट, ये कितना आएगा? जो भी आएगा कितना आएगा बताना साहब, वो बताए 525 ही तो आएगा। ये बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट है 525, कितनी यूनिट्स के लिए? 1500 में से 1000 माइनस करेंगे तो 500 यूनिट के लिए ये 525 वेरिएबल कॉस्ट बचा। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना आएगा? 1.05 वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? क्या आप नहीं निकाल सकते टोटल वेरिएबल कॉस्ट? यस साहब, आपको कितने यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है सवाल है ये। पहले महीने की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो कितने यूनिट्स हैं आपके? पहले महीने आपने 1000 कॉल किए और 500 के बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट लगना स्टार्ट हो रहा है, तो 500 × 1.05 टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी पहले महीने की? 525। कैसे आए ये कि साहब पहले महीने 500 कॉल पर ही तो वेरिएबल कॉस्ट लगा 1.05 के हिसाब से? दूसरे महीने 1500 कॉल की, 500 कॉल के बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट लगना स्टार्ट होगा, तो कितनी कितनी कॉल होंगी आपकी? 1000 कॉल्स। कितनी? 1000 कॉल्स। वन पॉइंट जीरो फाइव के हिसाब से 1050। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। जिस लेवल पर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है टोटल, उस लेवल पर आप निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हालांकि आपको पता ही है, अगर आपको ऊपर वाला डेटा नहीं दे रखा हो, सपोज 200 रुपए वाला डेटा नहीं दे रखा हो, तो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद 725 में से इस लेवल पर 1000 पर निकालना चाहते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो 725, तो आप क्या करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 725 आपके कॉस्ट दे रखी है सेमी वेरिएबल, माइनस आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 525, कितना? 200 रुपये का आपका आ गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ पा रहे हैं? यस। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऊपर वाला नहीं दे रखा तो नीचे वाला तो दे रखा है 725 टोटल वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल पोर्शन हटा दो तो फिक्स बचा उसमें से। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सेमी, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं साहब? आपको याद है क्या पढ़ रहे हैं हम? हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट बिहेवियर, कि कॉस्ट इनकर कैसे होती है, उसका बिहेव क्या है, उसका नेचर क्या है कॉस्ट का। बात समझ पा रहे हैं? यस। तो हमने अभी तक यही पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेमी फिक्स कॉस्ट। क्या? सेमी फिक्स कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। सर ये क्या है, सेमी फिक्स कॉस्ट एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? साहब दीज आर द कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ रेंज एंड आफ्टर दिस रेंज दिस फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ रेंज, रेंज कुड बी इवन और अनइवन। इसका कहना है कि सपोज आपका खर्चा है जो कि 1 to 100, अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स रहेगा, एंड उसके बाद जैसे आप 101 पर पहुंचोगे, 101 से लेके 200, अगर सपोज 500 रुपए खर्च होते हैं यहां 1 से लेके 100 में, 1 बनाओ 2 बनाओ 3 बनाओ चाहे 100 बनाओ, आपके 500 रुपए का ही खर्चा होगा। जैसे ही आप 101 भी बनाओगे फिर आपका 500 रुपए लग जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यस। और कहां तक रहेगा ये फिक्स? 200 तक, 101 102 103 और 200 तक रहेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। और 201 के बाद 300 तक, फिर 500, टोटल जैसे आप क्यूमुलेटिव निकालोगे तो कितने आएंगे? 1500 रुपए, 5 5 5 300 पर।
अगर आप 201 वी यूनिट भी बनाओगे तब भी आपके 1500 रुपए खर्च होंगे। तो दिस इज द कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड रेंज वाइज एंड यू कैन नेवर बाइफर्केट, अलग नहीं कर सकते, यू कैन नेवर बाइफर्केट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम दिस स्टेप फिक्स कॉस्ट, बिकॉज इन दिस देयर इज नो पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी है ही नहीं, आप अलग कर ही नहीं सकते, मर्जी है मेथड लगा लेना। जब उसमें है ही नहीं वेरिएबल पोर्शन तो कैसे कर लेंगे, आपका एक रेंज तक फिक्स रहता है, उसके बाद वो फिर फिक्स हो जाता है, फिर उस रेंज से जैसे बढ़ेंगे फिर आपका उस पर्टिकुलर रेंज के लिए फिक्स रहता है। तो दिस इनकर स्टेप वाइज, रेंज वाइज, और रेंज आपकी इवन भी हो सकती है 1 to 100, 101 से 200, ये सारी 100-100 की हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका कि 1 से लेके 100, 101 से लेके 150, फिर 151 से लेके 170, इस तरीके से भी आपको रेंजेस दे सकते हैं। ये भी स्टेप फिक्स कॉस्ट है अन ईवन रेंज की। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। वी कैन नेवर bifurcate variable cost and fixed cost from this cost because there is no portion as such in this as variable cost, hai hi nahi isme variable cost, to aap isko alag kar hi nahi sakte। step wise ye incur hoti hai ki sath jaise hi aapne 1 to 100 banayi uske baad 101 bhi pahunchoge to turant ek sath badhegi, aur एक साथ जैसे आपने 101 भी बनाई एक साथ बढ़ गई और ये फिक्स रहेगी कहाँ तक, 200 तक सेम रहेगी, फिर तुरंत बढ़ेगी ये, फिर सेम रहेगी। इस तरीके से आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट चलती है। आइए इस पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें लिखा है वी कैन नेवर सेपरेट स्टेप फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हम कभी अलग नहीं कर सकते वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस कीपिंग स्टाफ क्लीन अप 100 क्लीन अप 10 रूम्स एंड इफ 31 रूम्स आर टू बी क्लीन। सर एक बात बताओ, एक हाउसकीपिंग स्टाफ 10 कमरे साफ कर सकता है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ 10 कमरे साफ कर सकता है, तो 11वें के लिए क्या एक और हाउसकीपिंग स्टाफ रखना पड़ेगा? यस, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो एक 11 से लेके 12 13 14 कहां तक, 20 तक आपका सेम रहेगा, दो हाउसकीपिंग स्टाफ रहेंगे। जैसे 21वां आपको चाहिए तो आपको 3 स्टाफ रखने पड़ेंगे एंड 31वें के लिए आपको 4 स्टाफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि 30 तक तो 30 रूम में तो 3 स्टाफ की खपत हो जाएगी, और जैसे 31वां चाहिए आपको तो उस पर्टिकुलर एक के लिए 4th स्टाफ चाहिए। फॉर 30 रूम्स ये क्या कहता है, देन 4 हाउसकीपिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड, दैट इज 3 स्टाफ फॉर 30 रूम्स एंड 1 स्टाफ फॉर 31st रूम आपको चाहिए, 4th स्टाफ आपको चाहिए एंड 1 स्टाफ आपको अलग से चाहिए। किसके लिए 4th स्टाफ आपको अलग से चाहिए? 31वें रूम के लिए। ये तो है साहब कि आपने थोड़ा बहुत कॉस्ट के बारे में जाना कि कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, कॉस्ट का बिहेव क्या होता है, कॉस्ट इनकर किस तरीके से होती है, ये आपने जाना। अब हम चलते हैं सीवीपी एनालिसिस की तरफ। सीवीपी एनालिसिस होता क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट्स, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर हमने पढ़ा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल पर क्या कॉस्ट होगी एंड देन क्या प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने पर क्या कॉस्ट होगी क्या प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्शन घटाने पर क्या कॉस्ट होगी और क्या प्रॉफिट आएगा, ये सब हमने पढ़ा है। तो साहब हम थोड़ा सा आपको और इसमें एलेबोरेट करेंगे कि क्या होता है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। पढ़ते हैं, If any person wants to start the business or any existing firm wants to launch a new product, यानी कोई बंदा नया business start करना चाहता है या
एग्जिस्टिंग फर्म नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, दोनों में बात तो नहीं है. वॉन्ट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, वॉन्ट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, देन फर्स्ट थिंकिंग जनरेट्स इन अवर माइंड. एक बात हमारे माइंड में आती है, जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या नया बिजनेस डालना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में एक बात जरूर आती है, और वो क्या बात है, दैट एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, कितनी सेल करें, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स न्यू बिजनेस और न्यू प्रोडक्ट विल कवर द टोटल कॉस्ट एंड स्टार्ट प्रॉफिट. सीधी सी बात है, अगर हम कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारे माइंड में एक बात जरूर आएगी कि ये हम कितना प्रोडक्शन करें, कितना माल बेचें कि हमारी कॉस्ट कम से कम कॉस्ट तो कवर हो, कितना माल बेचें कि हमारी कम से कम कॉस्ट कवर हो और फिर हमारा प्रॉफिट आने लग जाए. उसी हिसाब से तो हम डिसीजन लेंगे कि हम बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें, हम उतनी बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे यूनिट्स, उतनी यूनिट्स हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे. बात समझ कि हम उतनी यूनिट्स बना पाएंगे या बेच पाएंगे या नहीं, तभी तो हम उस तरह डिसीजन लें कि इतनी सारी कॉस्ट है और हम यूनिट्स बेच ही नहीं पाए तो फिर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे नहीं. अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सीवीपी एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. सपोज आप एक बात बताओ, नए नए सीए बने, प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे कि सर हमें एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा 10,000 रुपये महीने का, कितने का, 10,000 रुपये पर मंथ का ऑफिस लेना पड़ेगा, एक मुन्ना भी लिखना पड़ेगा आर्टिकल. वो सर मुन्ना क्या है, आर्टिकल है, हमें एक मुन्ना भी रखना पड़ेगा, थोड़ा पेन प्रॉब्लम करा, कितने रुपए, 13,000 रुपये, कुछ उसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा होगा 1,000-2,000 का, एसी वगैरह थोड़ा बहुत लगवाएंगे तो ऑन एन एवरेज मैं कह दूं 2,000 रुपये के अदर एक्सपेंसेस, मामूली सी बात है सर, प्रिंटिंग कॉस्ट एट्सेट्रा, महीने का 15,000 रुपये का आपका बिल बैठेगा, आपका महीने का 15,000 का बिल बैठेगा. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस. अब आपने कॉस्ट का एनालिसिस कर लिया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, आपने कॉस्ट का एनालिसिस कर लिया. अगर आपके पास 1,000 रुपये की रिटर्न का क्लाइंट है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास 1,000 रुपये की रिटर्न्स के क्लाइंट आएंगे, इनिशियली तो ऐसे ही आते हैं, करोड़ों का काम किसी को नहीं मिलता, लाखों का काम इतनी जल्दी. अगर हमारे पास 1,000 रुपये की ITR वाले क्लाइंट हैं, आते हैं, तो हमें कितनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, हमारे पास कितनी फाइल्स आनी चाहिए, कितना हमारे पास वॉल्यूम आना चाहिए जिससे कि हमारे ये 15,000 का कॉस्ट कवर अप हो जाए. कम से कम अगर आप 1,000 की बात कर रहे हैं तो आपके पास 15 फाइल तो आनी चाहिए एक महीने में. कितनी फाइल्स, 15 फाइल्स. कितनी फाइल आनी चाहिए, 15 फाइल. क्या कर रहे हैं आप, आपने सोच लिया कि मेरा 15,000 का कॉस्ट किस वॉल्यूम पर रिकवर होगा, 15 पर, और जैसे ही 15 से ऊपर आपकी एक फाइल आ जाएगी तो वो 1,000 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट आपकी जेब का होगा, आपका पेट पूजा होगा. तो आप ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, हमारे पास हर महीने 15 क्लाइंट नए आएंगे या नहीं. तो क्या कर रहे हैं आप, सीवीपी एनालिसिस ही तो कर रहे हैं आप, उसी हिसाब से फिर डिसीजन लोगे. फिर क्या सोचोगे, अरे यार 15,000 का खर्चा तो बहुत हो गया, हम चार दोस्त मिलके एक फर्म स्टार्ट करते हैं, अपनी अपनी फर्म हो चाहे जैसा मर्जी है, चार लोग मिलके हम फर्म स्टार्ट करते हैं तो ये खर्चा चारों पर डिवाइड हो जाएगा. यस, चारों पर डिवाइड हो जाएगा.
और जब ये चारों पे डिवाइड होगा तो आपका कितना कितना खर्चा आएगा, जहां 15,000 का खर्चा आ रहा है तो चार पे डिवाइड करने पर कितना आएगा, ओहो 3,700 बताएं सब कितने कितने का आएगा, 15,000 इज डिवाइडेड बाय 4, 3,750, यानी ऑन एन एवरेज चार क्लाइंट आपके पास आने चाहिए। आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे, अब डिसीजन ले लोगे आप, मेरी बात समझ रहे? यस। तो सीवीपी एनालिसिस इज अ डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ये आपको डिसीजन में हेल्प करती है कि हमारा खर्चा पर्टिकुलर ये है, इसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर लेवल के बाद हमें प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो यही है आपका सीवीपी एनालिसिस, ठीक। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। तो सीवीपी दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम एंड देन प्रॉफिट। सीवीपी एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट, प्रभाव क्या होगा किस पर ऑन फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम की वजह से आपके प्रॉफिट पर क्या फर्क आएगा फ्यूचर में, आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज की वजह से क्या फर्क आएगा और आपके फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या फर्क आएगा। सीवीपी एनालिसिस क्या है कि अगर हम हमारा प्रोडक्शन जहां हम सोच रहे हैं 200 यूनिट की या 100 यूनिट की, उसके बाद हम बढ़ा दें 150 कर दें, 200 कर दें, 250 कर दें, 300 कर दें, तो हमारा क्या प्रॉफिट आएगा, और हमारी 100 के बाद 150, 200, 300 किस सेल प्राइस पर बिकेंगी, क्या आप डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें क्या सेल प्राइस रखनी चाहिए, हमें क्या वेरिएबल कॉस्ट रखनी चाहिए जिससे कि हमारा पर्टिकुलर लेवल पर जो हम डिजायर्ड प्रॉफिट चाहते हैं प्रॉफिट भी है। तो कई सारी बातें आप सोचोगे, कॉस्ट के नजरिए से भी सोचोगे, सेल प्राइस के नजरिए से भी सोचोगे, वॉल्यूम के नजरिए से भी सोचोगे आप। तो जो आप ये एनालिसिस कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। आगे बढ़ते हैं। सीवीपी एनालिसिस इन वेरियस सीवीपी एनालिसिस हेल्प्स इन वेरियस डिसीजंस। सीवीपी एनालिसिस हेल्प्स इन वेरियस डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, किसान हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, सीवीपी एनालिसिस हेल्प करता है। क्या हमें प्राइस रखनी चाहिए, प्राइसिंग हमें कितनी मार्केटिंग में खर्चा करना चाहिए, एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर कि हमारा हमें कॉस्ट किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की रखनी चाहिए, कितनी वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। अ डिसीजन कुड ऑल्सो बी लाइक दैट एट अ पर्टिकुलर प्राइस व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। डिसीजन क्या हो सकता है कि हम अगर पर्टिकुलर प्राइस रखें, कम रखें, तो हमारा क्या वॉल्यूम होगा। तो क्या हो सकता है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड एट दिस वॉल्यूम व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट। और हमारा हम सेल प्राइस कम कर देंगे तो हमारा क्या वॉल्यूम आएगा, क्या वॉल्यूम हम आएगा, मतलब कितनी यूनिट्स हम सेल करेंगे और उस बढ़ी हुई सेल पर हमारा क्या खर्चा आएगा, हो सकता है कम खर्चा आए और हमारा कॉन्सिक्वेंटली क्या प्रॉफिट आएगा, इस बात में भी हेल्प करता है सीवीपी एनालिसिस कि हम क्या सेल प्राइस रखें, ठीक। आगे कहता है सीवीपी एनालिसिस यूजेस द कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच या मार्जिनल अप्रोच। कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे और प्रॉफिट निकालेंगे वो क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच की हेल्प से होगा या मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच से होगा या कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच से होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच इज डिसीजन मेकिंग अप्रोच, हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच इज द डिसीजन मेकिंग अप्रोच, कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच इज द डिसीजन मेकिंग अप्रोच, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द डिसीजन मेकिंग अप्रोच।
क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो कंट्रीब्यूशन आपका निकलता कैसे? मार्जिनल कॉस्ट आपको समझ में आ जाएगा और आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में क्या खर्चा होगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। मोटा मोटी उसे वेरिएबल कॉस्ट ही माना जाता है मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपए की। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए का है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 30 रुपए का। ओहो, बताएं सर, 50 रुपए का माल बेचा आपने लेकिन 20 रुपए की, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी लगी है। हाथ किया आपका दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट चला जाएगा, अब आपके पास बचेगा कितना? 30 रुपए। अब उसमें क्या आपका फिक्स कॉस्ट का भी भरपाई करनी है आपको? उसमें से भी आपको 30 रुपए की कॉस्ट की, 30 रुपए की, उसमें से भी आपको 30,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट की भरपाई करनी है या नहीं? बिल्कुल करनी है, और प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों रखा गया? इसका नाम कंट्रीब्यूशन इसलिए रखा गया बिकॉज दिस थर्टी रुपीज विल कॉन्ट्रीब्यूट फर्स्ट टूवर्ड द फिक्स कॉस्ट एंड आफ्टर दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रॉफिट। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो पहले आपका वो कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट की तरफ, फिर प्रॉफिट की तरफ, इसीलिए इसको बोला गया है कंट्रीब्यूशन। मेरी बात से सहमत हैं? यस। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच। तो आप एक बात बता सकते हैं, 30,000 रुपए एज अ फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी? क्या आप बता सकते हैं या नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी, हमारी एक यूनिट से 30 रुपए आते हैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट दीज 30 रुपीज विल गो फॉर फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 30,000 रुपए। तो क्या आप बता नहीं सकते इस 30,000 रुपए को रिकवर करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी? 1,000। ऐसे ही तो निकलेगा। कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी? 1,000। पहली यूनिट बेची 30 रुपए आए, दूसरी यूनिट बेची फिर 60 हो गए, तीसरी यूनिट बेची 90 हो गए। तो धीरे 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 आपको 1,000 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी। तो ये 1,000 यूनिट्स सबसे पहले तो आपको फिक्स कॉस्ट कवर कराएंगी, और जैसी 1,001 यूनिट आप बेचोगे तो उसके बाद जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 1,000 यूनिट्स पर, अपने 1,000 यूनिट्स पर फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया है। और इन 1,000 यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं हम? बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। आइए तो हम देखते हैं, इसीलिए हमने यहां एरो बना रखे हैं कि साथ सबसे पहले इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, कि फर्स्ट दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फिक्स कॉस्ट, आफ्टर दैट प्रॉफिट। 1,000 यूनिट के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल्स प्राइस। किसका? सेल प्राइस का एक हिस्सा है 30 रुपए, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फर्स्ट फिक्स कॉस्ट एंड देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स प्रॉफिट। पहले तो फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वंस द फिक्स कॉस्ट हैव बीन फुली कवर्ड देन एनी एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन गोज फॉर प्रॉफिट। इन द अबव एग्जाम्पल, ऑन द सेल ऑफ 1,000 यूनिट्स दैट इज 30,000 इज डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1,000 यूनिट्स, दैट इज को बोलते हैं बीपी। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी कवर्ड आफ्टर दैट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड After 1,000 units will contribute towards profit। यही बात तो हम कर रहे थे। 1,000 के बाद जो भी आपके पास contribution आएगा that will goes for profit।
क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो चलिए हम करते हैं एक एग्जाम्पल, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का एग्जाम्पल है। पढ़िए साहब एक बार ये एग्जाम्पल क्या कहता है, पढ़िए इस एग्जाम्पल को, क्या माना है अभी, पढ़िए इस एग्जाम्पल को क्या कहता है। सर सर आप ही पढ़िए, हम नहीं जानते पढ़ना। आप नहीं जानते क्या? बिल्कुल जानते हैं आप पढ़ना। कंसिडर अ प्रोडक्ट विद अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 26 रुपए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 42 रुपीज, फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड आर 12,000 रुपए। रुपीज 12,000 फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12,000। आप बता सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 42 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस, 26 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 16 रुपीज। ये तो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। अरे बोलो ना। हाँ। अरे मेरे दोस्त, मेरा बागान, मेरी फुलवारी, कम ऑन एवरीबॉडी। अरे बताएं भैया, क्या कहाँ पहुंच गया कि कंट्रीब्यूशन तो 16 का ही आया। यस। फिक्स कॉस्ट कितना? 12,000 का। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट? 16 रुपए निकाल लिया। अगला पार्ट कहता है अगर 1,000 यूनिट आप बेचना चाहते हैं तो क्या टोटल कंट्रीब्यूशन होगा? 1,000 × 16, 16,000 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आगे कहता है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट एट दिस लेवल ऑफ सेल्स। ये है बात। सर सर इसमें क्या बात है? हमें पता है कि हमने अगर 1,000 यूनिट बेची, हमने 1,000 यूनिट बेची, 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो 16,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन आया, लेस 14,000 का हमारा फिक्स कॉस्ट है, तो हमारा प्रॉफिट आ नहीं गया 2,000 रुपए का। टोटल प्रॉफिट यही तो आएगा, 14,000 की फिक्स कॉस्ट है, कितने की है? सॉरी 12,000 की, 4,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया? 4,000 इज डिवाइडेड बाय 1,000, 4 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट आया। बताओ। यस। पर यूनिट प्रॉफिट तो इतना ही आएगा। अरे नहीं आएगा क्या? बिल्कुल इतना ही आएगा। अब आगे तब 4,000 टोटल प्रॉफिट, 1,000 पर, तो 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट? कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग लेवल ऑफ सेल्स, 500, 1,000 और 1,200। फिर आगे क्या कहता है? कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फॉर ईच लेवल ऑफ सेल्स। इसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट कहाँ के लिए, 500 के लिए, 1,000 के लिए और 1,200 के लिए। अच्छा एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी कि अब जो 12,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट 500 यूनिट पर, 1,000 यूनिट पर या 1,200 पर? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी साहब। कंट्रीब्यूशन टोटल चेंज होगा क्या? हाँ। अच्छा पर यूनिट जो 16 रुपए का कंट्रीब्यूशन है वो क्या चेंज हो गया क्या, कि 16 रुपए पर यूनिट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक यूनिट पर भी 16 रहेगा, दूसरी बनाओगे तब भी 16 रहेगा, तीसरी बनाओगे तब भी 16 रहेगा, 500वीं बनाओगे तब भी 16 ही रहेगा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज नहीं होने वाला। हाँ 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 के हिसाब से आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,000 के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, एंड अगर आप 1,500 से या 1,200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500 या 1,200 के हिसाब से आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जो सेम रहेगी किसी भी लेवल पे माइनस करने के बाद क्या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? 500 यूनिट पर प्रॉफिट, 1,000 यूनिट पर प्रॉफिट, 1,200 यूनिट पर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? यस आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने किया है, देखना साहब पार्ट डी 500, 1,000, 1,200,
500 पर सेल प्राइस, सेल वैल्यू इन्होंने पहले सेल वैल्यू से कर रखा है, 1000 पे सेल वैल्यू एंड 1200 पे सेल वैल्यू, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया एंड देन कॉन्ट्रीब्यूशन, यही तो आएगा 500 × 16, 16×5 = 80, 8000 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 16000 का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 19200 का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 500 यूनिट पर हमारा क्या आया, लॉस आया। अरे बोलो, अरे हाँ बताओ ना क्या आया साहब, 500 यूनिट पर हमारा लॉस आया। मेरी फुलबारी खमान अभी बैठी, अरे आया नहीं, बिल्कुल आया, 500 यूनिट पर आपका लॉस आया, 1000 यूनिट पर आपका प्रॉफिट आया एंड 1200 पर और प्रॉफिट आया। क्या आप बता सकते हैं, इसने अगली बात क्या पूछी है, ये लॉस क्यों आ गया, क्या आप बता सकते हैं ये लॉस, तब जितने का आपको कंट्रीब्यूशन रिकवर नहीं हुआ, जितना आपने कंट्रीब्यूशन गेन नहीं किया 500 से, उतने उससे ज़्यादा कि आपने फिक्स कॉस्ट दे दी, तो पहले फर्स्ट गोज फॉर फिक्स कॉस्ट, तो पहले आपकी फिक्स कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाई, इसीलिए आपका मैं कह सकता हूं कि अभी आपकी 4000 रुपये की फिक्स कॉस्ट बाकी है रिकवर होना। मेरी बात से सहमत है? यस। अच्छा उसने पूछा है क्या, कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कब फॉर ईच लेवल ऑफ सेल्स, पर यूनिट चेंज होगा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, कतई चेंज नहीं होगा, क्या प्रॉफिट चेंज होगा पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा बट क्या प्रॉफिट चेंज होगा पर यूनिट, यस चेंज होगा प्रॉफिट पर यूनिट, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रह रहा है, देखना साहब प्रॉफिट पर यूनिट चेंज हो रहा है या नहीं, एक बार देखो तो सही, प्रॉफिट पर यूनिट, पहले में तो लॉस पर यूनिट, दूसरे में प्रॉफिट पर यूनिट, उसके बाद प्रॉफिट पर यूनिट, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं आपका टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, टोटल प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा, सेम रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट घटता जाएगा, सॉरी प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट जैसे जैसे आपका इस लाइन को भी कट कर देना थोड़ा सा, तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी पर यूनिट भी बढ़ता जाएगा, क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस। प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट सेम है, क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का खर्चा आपका घटता जाएगा और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है पर यूनिट, अब मैं पर यूनिट के हिसाब से खेल रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर सेम है, क्योंकि आपका सेल प्राइस पर सेम है, पर यूनिट सेम है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है बट आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटता जा रहा है जस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ता रहा है, जा रहा है। तो हमेशा आप याद रखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में या कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच में आपका फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपका घटता जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट आपका बढ़ता जाएगा, आप समझ रहे हैं? यस। तो उसने यही पूछा है कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएं एंड प्रॉफिट पर यूनिट बताएं फॉर ईच ऑफ द अबव लेवल, ईच लेवल ऑफ सेल्स। अरे बोलो ना, हाँ हाँ। फिर कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच लेवल ऑफ सेल्स, ओहो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा किसी भी लेवल पे चले जाओ, सेम रहेगा ना, यस किसी भी लेवल पे चले जाओ आपका वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, बट
आपका फिक्स कॉस्ट घट जाएगा। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका फिक्स कॉस्ट घटता जाएगा, एंड आपकी टोटल कॉस्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपका घटता जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ता जाएगा। यही आपकी एनालिसिस है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। चलिए, तो यही आपके लिए दे रखा है। आगे क्या है? यू कैन सी फ्रॉम द अबव दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डज नॉट चेंज बट द प्रॉफिट पर यूनिट कैन चेंज एज द वॉल्यूम चेंजेस। ऐसे ऐसे वॉल्यूम चेंज होता है। दिस चेंज इन प्रॉफिट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाए ना नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से, तो फिर आपका चेंज नहीं होगा प्रॉफिट। बात समझ रहे? तो चेंज इन प्रॉफिट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन इज मच मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग देन प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पावरफुल है प्रॉफिट से। आपका जो डिसीजन होगा प्रॉफिट पे नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन पे आके टिकेगा। आगे कहता है इन द अबव एग्जाम्पल, आगे पढ़ेंगे कि कैसे आके टिकेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पे ही। इन द अबव एग्जाम्पल इट वुड हैव बीन क्विकर टू स्टार्ट। इन द अबव एग्जाम्पल इट वुड हैव बीन क्विकर टू स्टार्ट विद कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बात तो हमें पता ही है। वेन वर्किंग आउट द प्रॉफिट एज शोन बिलो दिस सेव्स सम अननेसेसरी कैलकुलेशन। हमने 500, 1000, 1200 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लिया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता लग गया, फिक्स कॉस्ट हमने हमारी सेम है, उसके बाद हमारा क्या निकलाया? प्रॉफिट निकलाया, एंड प्रॉफिट पर यूनिट निकलाया। शॉर्ट में हमने कर दिया, हालांकि वो ऐसा शॉर्ट भी नहीं है, ये बात हमें पता थी। और कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 2600 पर यूनिट, चाहे 500, 1000, 1200 कोई भी लेवल हो। आगे टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी सेम ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लेकिन घट रही है। 500 यूनिट पर अगर 12000 का खर्चा डालोगे तो 2400 पर यूनिट के हिसाब से आएगा, 1000 यूनिट पर डालोगे 12000 का खर्चा तो 12 रुपये के हिसाब से आएगा, और 1200 पे डालोगे 12000 का खर्चा तो 10 रुपये के हिसाब से आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपका टोटल कॉस्ट का खर्चा भी घटता जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई गिला सिकवा बेरुखी या ना मुकर्रर, कमान एवरीबॉडी बताए ना, कुछ दिक्कत है क्या? ओहो, कोई दिक्कत हो, कोई गिला हो, कोई सिकवा हो तो हमें बताएं। चलिए साहब, अब हम चलते हैं पीवी रेशियो। साहब हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, प्रॉफिट निकालना, पर यूनिट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, टोटल प्रॉफिट निकालना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना। ये हमारी जनरल बातें थी, और ये हमने पता लगा लिया कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट पर यूनिट आपका बढ़ता जाएगा, एंड फिक्स कॉस्ट आपकी पर यूनिट घटती जाएगी। ये हमने पता लगा लिया। अरे लगा लिया ना, बताओ खमाना बीमारी बताए साहब। अब चलते हैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए। हम अभी सिंगल प्रोडक्ट के साथ खेल रहे हैं, आज की क्लास केवल सिंगल प्रोडक्ट के लिए है। पीवी रेशियो कैसे निकलता है और कंट्रीब्यूशन टू सेल सीएस रेशियो कैसे निकलता है? एक ही बात है साहब, पीवी रेशियो बोल लो, प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम लिखा है उसने, हालांकि ऊपर आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? सर सर हमें पता है, फिर भी हम इस बात को और चर्चा कर लेते हैं आज की क्लास में। हो सकता है कुछ छोटी छोटी बातें जो आगे काम आए वो आप फिर डील कर सको उनसे। द पीवी रेशियो इज अ यूजफुल कैलकुलेशन। क्या है? यूजफुल कैलकुलेशन है इन सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, यूजफुल तो है, तभी तो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन आपका यूजफुल है, इसीलिए आपका पीवी रेशियो भी यूजफुल है। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ठीक, इट शोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। ये बात मेन है, पीवी रेशियो क्या दिखाता है? अरे भैया कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए का पीवी रेशियो 10%, कंपनी बी का 50% पीवी रेशियो, तो कौन सी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी? इसका पीवी रेशियो ज्यादा होगा। पीवी रेशियो होता क्या है?
पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकलता है। जिस कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा उस कंपनी की उतनी ही अच्छी गुडविल होगी और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी तो उतनी अच्छी होगी, गुडविल होगी उसकी, उतनी तगड़ी कंपनी होगी। बात क्लियर है? यस। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सर हमने पढ़ा है पीवी रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पीवी रेशियो और कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। कैसे निकलता है पीवी रेशियो? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। हमने ये बचपन में पढ़ी है बात। या दूसरे कैसे निकलता है? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। अगर हम साहब कैसे निकल रहा है, अगर सेल प्राइस है आपका 100 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 40 रुपये, और अगर आप 1000 यूनिट्स सेल करते हो तो चाहे आप 40/100 से निकाल लो 40% आएगा पर यूनिट के हिसाब से, चाहे आप टोटल के हिसाब से निकाल लो 40 × 1000 यूनिट्स। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 100 रुपये पर यूनिट की सेल है × 1000 यूनिट। तो क्या टोटल सेल्स वैल्यू आ गई? अगर देखा जाए तो इससे ये कट जाता, रहा बचा तो ये 40% आएगा ही आएगा आपका पीवी रेशियो। सर एक बात बताएं सर, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलता कैसे है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमें दे रखी होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या दूसरा भी एक तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है, सपोज 30 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो पहले किस में जाता है? फिक्स कॉस्ट में। पहले वो फिक्स कॉस्ट में जाता है, देन वो किस में जाता है? प्रॉफिट में। तो यहाँ भी ये भी तो पर यूनिट लोगे आप, प्रॉफिट पर यूनिट अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो मैं क्या कह दूँ, ये कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए है, तो क्या मैं कह दूँ कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट हमेशा क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बताऊँ कैसे? देखना साहब, पीछे भी तो कर रखा है हमने, आप बता सकते हैं? देखना सर, ₹24 की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 500 पर, ₹8 का लॉस है, चलो अभी लॉस वाली बात बाद में करेंगे, ₹12 का फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और ₹4 की प्रॉफिट पर यूनिट, तो 12 × 4 = 16 का ही तो कंट्रीब्यूशन था। यहां पर 1200 के लेवल पर ₹10 की फिक्स कॉस्ट और ₹6 का प्रॉफिट, तो क्या आ गया? ₹16 का, ये भी 16, ये भी 16, और यहां देखना ₹24 का फिक्स कॉस्ट, ₹8 का लॉस, तो ये तो माइनस ही करेंगे, 24 में से 8 गया, कितना बचा? 16। तो अगर प्रॉफिट है तो यहां प्लस है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड लॉस है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। ओहो सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं? ये कहानी समझ में नहीं आ रही। एक बात बताइए, जब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, सपोज मैं मान के चलता हूं आपका फिक्स कॉस्ट है 50-60 रुपये, अनइवन ले लो कोई दूसरी अमाउंट, 50 रुपये का अगर आपका फिक्स कॉस्ट है तो ये लॉस ही आएगा, कितने का? 20 का। मीन्स आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में ही असमर्थ है, हैंस जो लॉस है ये फिक्स कॉस्ट है। तो आप अगर दोनों में कंपेयर करोगे, अगर आप दोनों में देखोगे तो 50 रुपये की फिक्स कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाई दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो आपका 20 रुपये का लॉस आ गया। मीन्स अभी आपका 30 रुपये इसी को पूरा नहीं कर पाया, तो जो बैलेंस अमाउंट है आपकी 20 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन
ये जो बैलेंस अमाउंट है लॉस आ गया आपका। कि साहब कॉन्ट्रीब्यूशन है ही 30 रुपये का, अगर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है साहब, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 50 रुपये की हमारी फिक्स कॉस्ट थी और 20 रुपये का हमारा लॉस आ गया, इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रीब्यूशन इनसफिशियंट था। कितना इनसफिशियंट था? 20 रुपये का। तो यानी 50 रुपये की फिक्स कॉस्ट में 20 रुपये हम रिकवर नहीं कर पाए एज अ फिक्स कॉस्ट। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था कितना? 30 रुपये का, तभी तो हमारे पास 20 का लॉस आ गया, फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाए हम। बोलो यस। इसीलिए हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में से लॉस को माइनस करते हैं और प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद प्रॉफिट भी आ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पहले फिक्स कॉस्ट की तरफ जाता है फिर वो प्रॉफिट की तरफ आ जाता है, तो दोनों में आ जाता है, ज्यादा होता है ना फिक्स कॉस्ट से। ठीक, इसके बाद क्या हम टोटल के साथ भी ऐसे खेल सकते हैं? टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट टोटल टोटल प्रॉफिट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, या टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल लॉस, एक ही बात है। चाहे पर यूनिट के हिसाब से खेल लो या यूनिट के हिसाब से खेल लो, बात एक ही है। क्लियर है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर मीन्स ऊपर जाना, क्लियर मीन्स समझ में आना। अरे क्लियर है, क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर है सर। एक फॉर्मूला और दे रखा है हमें, एक फॉर्मूला हमें और दे रखा है, इसके बारे में बताइए ये क्या कहता है, इसके बारे में हमें बताइए क्या कहता है। एक और फॉर्मूला दे रखा है साहब, देखना, ये कह रहा है कि साहब आपको क्या निकालना है, पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स वैल्यू। साहब चेंज इन सेल्स वैल्यू मीन्स किसी दो सेल को माइनस करेंगे तो बैलेंस सेल बचेगी, और ऊपर दो कॉन्ट्रीब्यूशन को माइनस करेंगे, हायर वाले को और लोअर लेवल वाले को, तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन की अमाउंट बचेगी। वो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट या जो बची हुई कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बची हुई सेल्स के लिए ही है। अरे बोलो बोलो ना। हाँ हाँ, कैसे सर? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, एक बार समझाइए प्लीज। चलिए समझिए, सपोज हमारी टोटल सेल्स दे रखी है, हमें टोटल सेल्स दे रखी है 1000 यूनिट पर रुपीज 50 रुपये के हिसाब से, 50,000 की, 50,000 की सेल दे रखी है हमें। ये बात क्लियर? यस। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पर 1000 यूनिट पर 30 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना? 30,000 की आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो क्या आप पीवी रेशियो बता सकते हैं? 30,000 इज डिवाइडेड बाय 50,000, कितना? 60%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1500 यूनिट्स भी हमें दे रखी है, सेम सेल प्राइस है 75,000 रुपये की, सेम 1500 पर आपका 30 रुपये के हिसाब से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा, कितने का? 45,000 का। बोलो। एंड 45,000 इज डिवाइडेड बाय 75,000, बताना साहब क्या पीवी रेशियो आएगा? मेरे हिसाब से तो सेम ही आना चाहिए, अगर आपका गलत कोई कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, इसका मतलब गलत है, सेम ही आ रहा है। ठीक, तो चाहे किसी भी लेवल पर आप पीवी रेशियो निकाल लो सेम ही आएगा। अब बात है कि हमें ये अमाउंट
कुछ भी नहीं पता हमें क्या दे रखा है। अब हम बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ दे रखा है कि साहब चेंज इन वैल्यू दे रखी है, कितनी 15,000। मैं तब की बात कर रहा हूं कि तब सेम कैसे आता है। हमें अगर दोनों की इंडिविजुअल दे दी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी लेवल पे आप आके निकाल लो जो हमने अभी तक निकाल लिया। लेकिन दे क्या रखा है, हमें चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ही दे रखा है, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ही केवल हमें दे रखा है। तो ये सेम आता कैसे है, चर्चा का विषय है ये। तो साहब देखना 45,000 अब किस लेवल पर, एट 1500 पर, माइनस 30,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है ना एट 1000 पर, तो आपने माइनस करके इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ये 15,000 का, 15,000 का अमाउंट आई कॉन्ट्रीब्यूशन की, कितनी के लिए एट 500 के लिए, क्योंकि 1500 माइनस 1000। और नीचे चेंज इन सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितनी है 75,000, कितने के लिए एट 1500 यूनिट पर, माइनस 50,000 एट कितने पर, 1000 पर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो ये जो इसमें जो सेल्स वैल्यू है कितनी 25,000 एट 500 यूनिट्स पर। तो जब बात समझ रहे, ये जो सेल वैल्यू है 500 की है, 500 यूनिट की, और ये जो सेल वैल्यू है ये भी 500, ये जो कंट्रीब्यूशन है बचा हुआ ये 1500 कंट्रीब्यूशन किसके लिए 500 यूनिट्स पर, जो डिफरेंस वाली है। और 25,000 सेल वैल्यू किसके लिए एट 500 यूनिट्स। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इसीलिए चेंज इन अगर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो जितने का आप माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा उतने ही की, उतने के रेस्पेक्ट में ही आपकी सेल्स वैल्यू आएगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो आपका क्या आएगा देखना सर, यही आएगा, यही आएगा साहब, 60% ही आएगा, 25,000 यानी 15,000 इज डिवाइड बाय 25,000, 60% यही पीवी रेशियो आया, डिफरेंस क्या हिसाब से आपने निकाल लिया। तो आपको कभी भी अगर ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको चेंज इन फिक्स, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, तो आप चेंज इन सेल ही इस्तेमाल करोगे यहाँ, उस जितने के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है तभी आप पीवी रेशियो निकालोगे। ऐसे घबरा नहीं जाओगे कि हमें तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी है, नहीं, वो हमें उसी चेंज से काम चल जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। आगे आगे चलते हैं साहब, इस बात को पढ़ने से पहले हम एक बात पढ़ते हैं, ड्यूरिंग चेंज इन सेल्स यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट या मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट एंड पीरियड, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये इससे रिलेटेड है, शुड नॉट बी चेंज। क्या कह रहा है कि अगर आप इस चेंज इन वाले फॉर्मूले को लगा रहे हो, इस चेंज इन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ये वाला चेंज इन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, इस ये काम कर रहे हो, तो आपका ना ही सेलिंग प्राइस चेंज होनी चाहिए, ना ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होनी चाहिए पर यूनिट, ना ही आपका फिक्स कॉस्ट चेंज होनी चाहिए, वो तो आपका बाद में देखा जाएगा जब हम प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? चलिए कम ऑन एवरीबॉडी, अरे हाँ कहाँ है सर, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। तो एक काम करते हैं, हमने देख लिया 60% इंडिविजुअल कैलकुलेट करके, इसका भी 60% इंडिविजुअल कैलकुलेट करके देखा, और चेंज इन वाले से भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया 60% आया तीनों सिचुएशन में। अब हम थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करते हैं कि साहब ये क्यों कह रहा है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। देखना साहब उसने बोला कि आपका सेल्स वैल्यू 1000 पर कितनी है साहब 50,000,
कंट्रीब्यूशन कितना है 30,000, तो आपका पीवी रेशियो आ गया 60%। लेकिन मैं एक खेल खेलता हूं, यहां 1500 यूनिट पर ये कितना, 1000 इंटू सेल प्राइस कितना था, 1000 इंटू 50 के हिसाब से मैं काम करता हूं, मैं इसका सेल प्राइस 1500 इंटू 60 कर देता हूं, तो क्या देखते हैं आपका 60% पीवी रेशियो आता है या नहीं। देख रहे साहब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1500 पर, बोलो 15 × 90,000 का आपका सेल्स हो गया। अच्छा आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है 30 रुपये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन था, कैसे आया था, 50 रुपये का आपका सेल प्राइस होगा और 20 रुपये की आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तभी तो आया। ओहो बताया ना, तभी तो आया ये 30 रुपये का कंट्रीब्यूशन। अब हमारी क्या है, 60 रुपये की सेल प्राइस है, 20 रुपये का तो वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सेल प्राइस को चेंज कर रहे हैं इनटू 1500, क्या आएगा 40,000-60,000 का कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशियो अब निकालें, 60,000 इज डिवाइडेड बाय 90,000, बताना साहब कितना आएगा। 60,000 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 60,000 इज डिवाइड बाय 90,000, 66.67% ये आया पीवी रेशियो। तो अगर आप अपना डेटा चेंज करेंगे, चाहे सेल प्राइस चेंज करें, चाहे आप वेरिएबल कॉस्ट चेंज करें, आपका कंट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन इसी पर डिपेंडेंट है, और कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो आपका पीवी रेशियो भी चेंज होगा ही होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताएं। अरे बताओ यार, अरे बताओ मेरे दोस्त, बताइए। अब हम चेंज इन वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि चेंज इन क्या, चेंज इन मतलब 60,000 माइनस 30,000 कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू 90,000 माइनस 50,000 कितना, 30,000 इज डिवाइडेड बाय 40,000 75%। नहीं ये निकल के आया, नहीं ये निकल के आया, नहीं ये आया, ये तीनों अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है दोस्त, अगर हम डेटा को चेंज करेंगे तो चेंज इन वाले में, चेंज इन केवल वॉल्यूम के डिफरेंस को रीड करता है वो केवल। अगर हम कॉस्ट के या सेल प्राइस के डेटा को चेंज कर देंगे तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। एक तो आपने देखा ना, इंडिविजुअली खुद भी चेंज हो गया, और अगर आप चेंज दोनों के हिसाब से बात करेंगे तो नहीं 60% आएगा, नहीं 66.67% आएगा। अब हम बात करते हैं कि साहब अगला एक फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने कि चेंज इन प्रॉफिट, नीचे की बात तो सेम है, अगर आप चेंज इन प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट भी सेम रहना चाहिए। ऊपर वाले में फिक्स कॉस्ट की बात क्यों नहीं है, ऊपर वाले में फिक्स कॉस्ट की बात क्यों नहीं है, क्योंकि वहां फिक्स कॉस्ट का यूज ही नहीं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन तक रह जाते हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन तक रह जाते हैं, इसीलिए आपका फिक्स कॉस्ट की जरूरत नहीं आई। लेकिन जब आप चेंज इन प्रॉफिट वाली बात करोगे तो आपका ये फिक्स कॉस्ट काम आएगा, बात समझ रहे हैं? यस। तो आपका फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा, सपोज 12 से 14 हो जाएगा, तो आपका पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। सपोज पिछला क्वेश्चन था एक, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन था
30,000 का 1500 यूनिट पे, बोलो। और सेल्स थी हमारी कितनी, सेल्स थी हमारी 50,000, कंट्रीब्यूशन था 30,000, एंड यहाँ सेल्स आपकी है 1500 पर कितनी थी, 7500 की, 75,000 की सेल थी, कितने की थी 75,000 की, और 45,000 की आपकी कंट्रीब्यूशन। तो आपने पीवी रेशियो से निकाल लिया था लेस। अब मैं एक बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट अगर आपका 10,000 यहाँ है और 10,000 यहाँ है तो क्या आएगा प्रॉफिट, कितना 20,000 का एंड 35,000 का, बोलो। अगर आप चेंज इन वाला वाली बात करोगे तो 15,000 चेंज इन के हिसाब से आएगा, इस डिवाइडेड बाय 25,000 चेंज इन सेल्स वैल्यू, 75 माइनस 50 तो कितना आएगा, यही तो 60% आएगा। तो आप प्रॉफिट के हिसाब से भी खेल सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन होता क्या है दोस्त, कंट्रीब्यूशन में क्या है साहब, आपने किया क्या, ये 20,000 लिया है ना, 20,000 और 35,000, 35,000 माइनस 20,000 तभी तो 15,000 आया। इसको मैं कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में ले लूँ एक बार साहब, देखना ये आपने कंट्रीब्यूशन लिया कितना 30,000 का, क्या इस कंट्रीब्यूशन में 10,000 फिक्स कॉस्ट है प्लस 20,000 प्रॉफिट है और माइनस मैं करूं 30,000 45,000 तो इसमें भी 10,000 फिक्स कॉस्ट है प्लस 35,000 क्या है प्रॉफिट। बोलो अगर मैं चेंज इन की बात कर रहा हूं तो देखना साहब क्या 10,000 से 10,000 कैंसिल, यस। तो ले देके अमाउंट किसका बचा है, प्रॉफिट का ही तो बचा, 35 माइनस 20, ये 35 माइनस 20 यहां उल्टा लिख गया थोड़ा सा, 35 माइनस 20 क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, यस। कि जो कंट्रीब्यूशन भी लिख रहे हो आप उसमें प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट शामिल है, फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट कैंसिल तो रहा बचा प्रॉफिट ही तो बचा। तो चेंज इन प्रॉफिट से आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट ही निकल के आएगी, बात समझ रहे हैं, यस। अगर आप यहाँ फिक्स कॉस्ट चेंज कर देंगे 12 कर देंगे फिर ये पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, तो इसीलिए आपका फिक्स कॉस्ट भी सेम रहना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बोलो ना, हाँ यस, यही बात उसने लिखी थी। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, पीवी रेशियो निकालना, कंट्रीब्यूशन निकालना पढ़ लिया, पीवी रेशियो निकालना पढ़ लिया चार फॉर्मूलों से। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी कैसे निकालते हैं, बीपी कैसे निकालते हैं एस पीवी रेशियो, बीपी ऑल्सो यूजफुल इन सीपी एनालिसिस, हाँ ठीक है यूजफुल तो होगा ही। ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी इज द सेल्स वैल्यू, बीपी इज द सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। बीपी क्या है, इज द सेल्स वैल्यू, क्या है सेल्स वैल्यू, जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होता कोई लॉस नहीं होता। एट ब्रेक इवन पॉइंट फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर, एट ब्रेक इवन पॉइंट फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर, क्या सेल्स सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, जितनी सेल होगी उतना ही कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, या टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट के तो कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, यस। आगे बीपी ब्रेक इवन सेल्स निकलता कैसे, बीपी अगर आप यूनिट्स में निकालते हो तो फिक्स कॉस्ट में आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आएंगे, जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था 1000 यूनिट्स, तो क्या निकल के आया आपका बीपी यूनिट्स। अगर आपको रुपीस में निकालना है तो आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा।
यूनिट्स वाली बात तो समझ में आती है, हमारी फॉर्मूले बताओ कि साहब अगर 30,000 रुपये हमें रिकवर करने हैं, एक यूनिट से अगर 30 रुपये आते हैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमें 1,000 से कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, तो वो 1,000 कैसे निकलेगा? डिविजन करके ही निकलेगा। लेकिन यहाँ सेल्स वैल्यू, लेकिन यहाँ सेल्स वैल्यू कैसे है? बीपी इज द सेल्स वैल्यू है, ये सेल वैल्यू, बीपी इज द सेल वैल्यू, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट। सपोज यहां पीवी रेशियो की बात कर रहे हैं हम, सर ये पीवी रेशियो क्यों, पीवी रेशियो से हमें बात समझ में नहीं आती है। सपोज 60% का आपका पीवी रेशियो है, इसका मतलब अगर हमें 60 रुपए की सेल करनी है, अगर हमें 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेना है, अगर हमें 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेना है तो हमें 100 की सेल करनी पड़ेगी। यही है? यस। अगर हमें 30,000 रुपए रिकवर करने हैं, 30,000 रुपए चाहिए, यहां 60 चाहिए तो 100 की सेल, अगर हमें 30,000 रुपए चाहिए तो हमें 100 इज डिवाइड बाय 60, यानी एक रुपए के लिए हमें कितने की सेल, वो आ जाएगा। और हो नहीं समझ में आया सर, दोबारा बताइए, ऐसे मत बताइए, एक एक करके बताइए। 60 रुपए लेने के लिए आपको 100 रुपए की सेल करनी पड़ती है, तो एक रुपया लेने के लिए एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 100/60 की सेल नहीं करनी पड़ेगी, यानी 100/60 जो भी अमाउंट आपका आएगा, कितना आएगा देखना, 100/60 यानी 1.67 आपको एक रुपया रिकवर करने के लिए एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन 1.67 रुपये की आपको सेल करनी पड़ेगी। तो आपको 30,000 रुपये रिकवर करने के लिए, तो आपको 30,000 रुपये रिकवर करने के लिए 100/60 × 30,000 ये काम नहीं करना पड़ेगा। यस, यही काम करना पड़ेगा। और ये अमाउंट कैसे निकल के आई, ये अमाउंट कैसे, ये आया कैसे? साहब आप कह रहे हो ये क्या फिक्स कॉस्ट है, यस ये फिक्स कॉस्ट है। ये क्या पीवी रेशियो है रिवर्सल में, यस ये उल्टा करके देखोगे तो पीवी रेशियो है। कैसे साहब, आपकी अगर 30,000 की फिक्स कॉस्ट है, इस डिवाइड बाय 60% पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो इसे क्या बोलते हैं, 30,000 इस डिवाइड बाय 60/100, और ये पहली दूसरी तीसरी चौथी के हिसाब से ये चला नहीं जाएगा। ये भैया मैं हिंदी में थोड़ा सा जानता हूँ, 30,000 × 100/60 ये ऐसे नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सर ये कैसे कर दिया? ओहो मैं थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करूं, साहब 30,000 इस डिवाइड बाय 60% मीन 60/100, तो इसको हम और कैसे लिखेंगे, 30,000 इस डिवाइड बाय, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 30,000 के नीचे, तो इसको हम मान लेंगे 1 इस डिवाइड बाय 60/100, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, पहली और चौथी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दूसरा है ना, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहली का चौथी से मल्टीप्लाई, दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये 30,000 × 100/60, तो यही तो लिखा है हमने, 30,000 × 100/60, ले देखिए वहीं आ जाएगी बात। तो इसीलिए 30,000 रुपये रिकवर करने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, 60 रुपये रिकवर करने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे बोलो ना, हाँ हाँ बोलो, हाँ सर हम कैसे हाँ बोले, आप तो हमारी जान लेके रहते हो, आप छोड़ते ही नहीं हो, जान ले लेते हो आप हमारी। ओहो मैं आपकी जान का क्या करूँगा, मेरे पास तो है मेरी जान। अरे मैं जान की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ सोच रहे हैं, मेरे पास भी तो भगवान ने एक दी है। डबल मीनिंग बातें करते हैं आप। चलिए साहब अब हम
अब हमने बीपी पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ लिया बीपी, वो बताए ना पढ़ लिया ना बीपी। देखो दोस्तों, जो भी मेरी मैं बात बोलूँ उसका प्लीज़ बुरा मत मानना, कहीं बाहर आप मेरी अफवाह फैलाओ इस सर ऐसे बोलते हैं, मैं तो थोड़ा सा आपको एंटरटेन करने के लिए बोलता हूँ, आपको कहीं बुरा ना लगे। अगर कोई भी किसी बात का आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। चलिए साहब, आपने बीपी निकाल लिया, इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट एमओएस, एमओएस अच्छा बीपी हम जानते हैं कि जहां नो से नो प्रॉफिट नो लॉस हो, बी एमओएस क्या होता है, एमओएस क्या होता है, क्या बता सकते हैं एमओएस क्या होता है? यस हम बता सकते हैं, एमओएस वो सेल्स अमाउंट होती है जहां पर प्रॉफिट आता है, एमओएस वो अमाउंट होती है जहां पर प्रॉफिट आता है। सर सर इसका क्या मतलब है? मीन्स बीपी से जो भी ऊपर सेल होगी, बीपी पे तो कोई प्रॉफिट नहीं आता है, बीपी से ऊपर जो भी सेल होगी उस पर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। मतलब आपने बोला कि अगर 1000 यूनिट्स पर आपका बीपी आता है, मीन्स इस बीपी में जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ओहो सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो कहाँ चला जाएगा, फिक्स कॉस्ट के लिए। लेकिन जैसे ही 1000 एक वीक पर प्रॉफिट आएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा एक यूनिट पर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो सब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट की तरफ। मीन्स अगर आपकी सेल 1000 से ऊपर जो भी हुई एक यूनिट, तो एक एमओएस, एक यूनिट का एमओएस, दो यूनिट तो दो यूनिट का एमओएस, तीन यूनिट तो तीन यूनिट का एमओएस, चार यूनिट तो चार यूनिट का एमओएस। अगर आपकी टोटल सेल 1500 यूनिट हुई तो आपका 500 यूनिट का एमओएस आएगा। एमओएस इज नॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन, MOS is not the amount of contribution. MOS is not the amount of profit. MOS is the amount of sales at which profit will be derived. Profit आएगा, तो वो ना ही margin है, आपका contribution margin है, ना ही वो contribution margin है, ना ही वो profit है। आपका MOS is the value of sales at which the profit will be derived. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो साहब सर ये एमओएस एमओएस क्यों बोलते हैं फिर इसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये नाम मैच करता नहीं है, हम निकालते इससे प्रॉफिट है लेकिन नाम मैच करता नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नाम अलग सा है, नाम मैच करता ही नहीं है, जो हम निकालते हैं उससे निकालते हैं हम प्रॉफिट है, होती वो सेल की अमाउंट है, होती वो सेल्स अमाउंट है, लेकिन हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। हाँ दोस्त बिल्कुल सही सुना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द करेक्ट नेम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द करेक्ट नेम, बिल्कुल सही नाम है, गलत नाम नहीं है। जिस नियत से ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली गई है, डेराइव किया गया है इस वर्ड को, उस नियत को एक बार पढ़ते हैं, एक बार उस नियत को पढ़ते हैं, किस नियत से, ये इंटरनेशनल बुक से मैंने उठाया है, कहां से आया, एज द सर इंटरनेशनल बुक का नाम तो बताओ, नहीं दोस्त कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे होते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट्स इट इज अ सेफ्टी मार्जिन, क्या है, सेफ्टी मार्जिन है, जैसा कि नाम ही बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी means safety margin. MOS is the amount, क्या है amount by which the sales can fall, गिरा सकते हैं below from the budgeted sales before a business makes a loss.
साहब एमओएस पर क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। तो अगर हम उतने आप उस अपनी टोटल सेल्स को, टोटल बजटेड सेल को जो फ्यूचर में होने वाली है, एमओएस का जो आधार है वो ये है कि जो फ्यूचर में सेल्स होने वाली है उस सेल को हम कितना गिरा दें कि हमारा प्रॉफिट जीरो, मींस हमें लॉस ना हो। क्या एक बार मैं दोबारा बोलूंगा कि साहब हम अपनी सेल्स को कितना गिरा दें, यानी हमारी सेल्स में कितनी गिरावट आ जाए ताकि हमें कोई भी लॉस ना हो। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस। कि हम कितना अपना सेल, बजटेड सेल को, सब होता है ना कि हमने सोच लिया कि हमारी 5,000 यूनिट बिकेंगी, बजट सोल्स हमने, सेल्स हमने डिसाइड कर ली इन फ्यूचर, लेकिन क्या 5,000 यूनिट बिकेगी ही बिकेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5,000 बिके, ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 से कम बिके, तो हमारी फ्यूचर डिमांड कितनी कम हो ताकि हमें कोई लॉस ना आए। बात है ये कि हम अपनी बजटेड एक्सपेक्टेड सेल में कितनी गिरावट को देख लें कि हमारा लॉस ना आए। सपोज आपका एमओएस, आपने डिसाइड किया, आपने फिक्स कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड किया कि मेरा आपका बीपी 4500 यूनिट पे आएगा, तो आप क्या सोच रहे हो? हालांकि 500 रुपए 4500 से ऊपर, 5,000 आपने कंपेयर किया, 500 निकाल लिया आपने, 4500 का आपने 4500 का और 5,000 का कंपेयर किया तो 500 निकाल लिया यूनिट्स, एमओएस निकाल लिया, बट ये आपका ध्येय नहीं है, ये इसकी नियत नहीं है। नियत क्या है कि द सेफ्टी मार्जिन मींस 500 यूनिट का मार्जिन है आपके पास कि आपको लॉस नहीं होगा, कि आप 500 यूनिट तक गिरा सकते हो अपनी एक्सपेक्टेड सेल को बिफोर मेकिंग अ लॉस। तो यही है इसकी थीम। अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो से दैट एमओएस इज दैट अमाउंट ऑफ सेल्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स प्रॉफिट। सर एक बात बताओ, एक बात हमें बताइए कि हम पास्ट डेटा में भी हम एमओएस निकाल लेते हैं कि हमारी सेल सपोज 10,000 यूनिट की हुई, 8,000 यूनिट पर बीपी था तो 2,000 यूनिट का एमओएस नहीं निकला है। दोस्त ये तो डेटा है, चाहे डेटा फ्यूचर का हो चाहे डेटा पास्ट का हो, है तो वो अमाउंट ही ना, फ्यूचर भी एक अमाउंट है, निकाल तो आप करंट पास्ट फ्यूचर तीनों कर सकते हो एमओएस, निकाल तो आप पास्ट करंट फ्यूचर तीनों का सकते हो, बट जो इसका आधार है, जो बेस है, वो है कि आपका बजटेड सेल कितना गिर जाए, मार्जिन कितना है आपके बजटेड सेल में कि आपका कोई लॉस ना आए, सेफ्टी मार्जिन कितना है आपकी बजटेड सेल्स में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो एमओएस क्या होता है, टोटल सेल्स में कितना हिस्सा बीपी से ऊपर, बीपी से ऊपर ही निकलेगा माइनस करके, रुपीज में भी एंड यूनिट्स में भी, टोटल ये टोटल सेल्स वैल्यू एंड बीपी सेल्स वैल्यू, ऐसी यूनिट्स में आप निकाल लेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे बोलो ना, हाँ। तो टोटल सेल चाहे यूनिट में दे रखी है चाहे रुपीज में दे रखी है, उसमें से आप बीपी माइनस करोगे चाहे रुपीज वाला चाहे यूनिट्स वाला, तो आपका एमओएस आएगा ही आएगा। अगर टोटल सेल्स आपने अमाउंट में ले रखी है तो बीपी भी आपको अमाउंट में लेना पड़ेगा, अगर आपने टोटल सेल्स यूनिट्स में ले रखी है तो आपको बीपी भी यूनिट्स में लेना पड़ेगा, और आपका एमओएस रुपीज एंड यूनिट्स में निकल के आएगा रेस्पेक्टिवली। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। आगे और एमओएस कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सर ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं आप, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ये क्या है? दोस्त हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या कि आपका जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, यानी ये सेल्स अमाउंट है,
बीपी से ऊपर, इसमें अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या अगर हमने अमाउंट लिया तो पीवी रेशियो से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट। तो अगर हमें एमओएस निकालना है तो हम कर नहीं सकते। अगर हमें एमओएस निकालना है तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ऐसे ही सेम अगर हमें प्रॉफिट अगर निकालना है और एमओएस यूनिट्स में दे रखा है तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें एमओएस निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही हमने फॉर्मूले में लिखा है। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा। अगर एमओएस अमाउंट में निकालना है तो नीचे पीवी रेशियो, रेशियो में पीवी रेशियो हमेशा अमाउंट आएगा, चाहे कुछ भी निकालें आप, बीपी निकालें, एमओएस निकालें, कुछ भी निकालें। और एमओएस अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे बोलो ना, हाँ, प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सर बहुत देर हो गई, हमने क्वेश्चन नहीं किए। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निकालिए क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखिए एक बार। सर आप ही कीजिए, सर आप ही कीजिए, हमें नहीं आता क्वेश्चन करना। कीजिए, पढ़ के देखिए एक बार। चलिए साहब मैं ही पढ़ता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जेड लिमिटेड, पेज नंबर, कम ऑन एवरीबॉडी, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर वन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जेड लिमिटेड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस दे रखा है रुपीज में, किसमें? रुपीज में। अच्छा, एक एमओएस नीचे भी दे रखा है, किसमें? यूनिट्स में। तो क्या हम इससे सेल प्राइस नहीं निकाल सकते कि जितनी यूनिट्स हमें दे रखी है उतनी यूनिट्स की हमें सेल वैल्यू दे रखी है, तो क्या हम सेल प्राइस नहीं निकाल सकते? बताना सब, सेल प्राइस कितना आएगा? अगर हमें जरूरत पड़ी तो 187,500 इज डिवाइडेड बाय 7,500 यूनिट्स, क्या सेल प्राइस आएगा? बोलो, 187,500 इज डिवाइड 25 आएगा शायद, 7,500, 25 मुझे याद है सर। तो अगर आपको सेल प्राइस की आवश्यकता पड़ी तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आगे कहता है टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 193,750, टोटल कॉस्ट दे रखी है और एमओएस यूनिट्स में दे रखा है और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में भी दे रखी है, तो क्या आप इससे टोटल सेल्स नहीं निकाल सकते? यूनिट्स में टोटल सेल्स कितनी हो गई? 10,000 यूनिट्स। सेल प्राइस आप निकालना जानते हैं, 25 रुपए, ठीक। आगे कहता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए, कम ऑन एवरीबॉडी, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल सेल्स निकालने के लिए क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है 10,000, क्या हमने सेल प्राइस सही निकाला था पहले? बिल्कुल, हमने सेल प्राइस सही निकाला था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप बैक टू बैक गए ना सर, आपको तो पता थी पहले इसलिए आपने निकाल लिया, तो आप बैक टू बैक जाएंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए, आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है अमाउंट में, प्रॉफिट आपका अमाउंट में निकलता है, यूनिट्स में नहीं निकलेगा। तो आपको टोटल कॉस्ट अमाउंट में दे रखी है, तो क्या आपको टोटल सेल्स अमाउंट में चाहिए या नहीं चाहिए?
बिल्कुल चाहिए। टोटल सेल्स आपने यूनिट्स में निकाली रखी है, दे रखी है, चूंकि उसने MOS प्लस BEP, बोलो ना। हाँ हाँ, तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखी है टोटल सेल्स की, तो क्या आप सेल प्राइस निकालना आपका धर्म नहीं है? अब सेल प्राइस निकलेगा कैसे, समस्या ये निकालना तो हमें दिए हुए डेटा से ही है, क्योंकि हमें MOS दे रखी है, वो हमारे लिए काम करेगी, चाबी का काम करेगी सेल प्राइस निकालने के लिए। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं सेल प्राइस। आंसर वन, वर्किंग नोट करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस। हमें MOS दे रखा है अमाउंट में, कितना, 187,500, और हमें डिवाइड बाय MOS दे रखा है यूनिट्स में, कितना बोलो, MOS कितना दे रखा है यूनिट्स में, 7,500। तो क्या आप सेल प्राइस नहीं निकाल सकते, ₹25 पर यूनिट? तो टोटल सेल्स आपकी कितनी होगी, 7,500 यूनिट्स प्लस 2,500 यूनिट्स इंटू ₹25, 2,50,000, 10,000 इंटू 2,500 2,50,000। आप अगर इसमें से लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट, दे रखी है कितनी, 193,750, तो प्रॉफिट क्या आएगा बोलो, कितना प्रॉफिट आएगा बोलो, कितना आएगा, 56,250। कैलकुलेट करके देख लेना, यही प्रॉफिट आएगा। आगे उसने कुछ पूछा है, क्या पूछा है उसने आगे, चार नंबर का क्वेश्चन आया 2010 में, पीवी रेशियो, क्या पूछा है, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा बताओ साहब, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? सर हमें पता है, सेकंड पार्ट उसने पूछा है, पीवी रेशियो हम जानते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये आपके तुरंत क्लिक करना चाहिए, हम जानते हैं प्रॉफिट कैसे निकलता है, MOS इंटू पीवी रेशियो प्रॉफिट, वो पता है प्रॉफिट सब, पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, MOS में पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकलता है, तो प्रॉफिट हमें पता है, दे रखा है, हमें निकाल रखा है हमने 56,250 नहीं निकाला, ऊपर निकाला तो है 56,250, एंड MOS की अमाउंट हमें पता है 187,500 इंटू पीवी रेशियो, नहीं निकाल सकते, यही तो नहीं पता हमें, कितना आएगा, बोलिए 56,250 इज डिवाइड बाय 187,500, 30%। आगे क्या पूछ रहा है, कौन से, बीपी सेल्स इन रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले आप बीपी सेल्स निकालें, थर्ड बीपी रुपीज में, किसमें, रुपीज में, ओहो आपको 2,500 यूनिट्स दे रखी हैं, सेल प्राइस आपने ₹25 पर यूनिट निकाली रखा है, 25, 25, 625, 62,500, 62,500 नहीं है, यही है, क्लियर है ना, यस। अच्छा आगे बीपी के बाद आपसे फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है, आपसे फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, ओहो आपको बीपी पता ही है, बीपी इज इक्वल टू कहां से निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो साहब बीपी आपको पता है 62,500 निकाली लिया, फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है, पीवी रेशियो आपका 0.30,
तो क्या फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल सकते? कितना आएगा फिक्स कॉस्ट? कैलकुलेट करके निकाल लेंगे 18,750। थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। आपको ऑन स्पॉट फॉर्मूले क्लिक करने चाहिए, एक दो बार में आपको याद हो जाएंगे ये सब। ये बात क्लियर है? यस। आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर 2 आपसे कहता है, अ ब्रेकडाउन ऑफ केपीज प्रॉफिट इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड शोड द फॉलोइंग। अ ब्रेकडाउन ऑफ केपीज प्रॉफिट, केपी प्रॉफिट को तोड़ रखा है इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, दिखा रखा है नीचे, शोड द फॉलोइंग। सेल्स कहता है 450 रुपीज इन फिगर, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड। सेल्स किस में दे रखी है? रुपीज इन थाउजेंड। वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 220, फिक्स कॉस्ट 160 एंड प्रॉफिट आपका 70। ड्यू टू डाउन टर्न इन द मार्केट कंडीशन द कंपनी इज वरिड। ड्यू टू डाउन टर्न इन मार्केट कंडीशन द कंपनी इज वरिड, कंपनी परेशान है कि साहब डाउनफॉल आ रहा है, दैट नेक्स्ट ईयर मे रिजल्ट इन लॉस एंड वुड लाइक टू नो द चेंज इन सेल्स दैट वुड मेक दिस हैपन। रिक्वायर्ड द परसेंटेज फॉल इन सेल्स दैट वुड बी नेसेसरी बिफोर कंपनी वुड इनकर, वुड बिगन टू इनकर लॉसेज, परसेंटेज में बताइए। साहब क्या कह रहे हैं? सर सर हमें समझ में नहीं आया, आपने इतनी जल्दी पढ़ दिया। साहब मेरा टारगेट था जल्दी जल्दी पढ़ने का। अच्छा थोड़ा सा ये जो पीछे बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है, आज पहली क्लास है और ये डिस्टरबेंस, यहाँ बराबर में शादी हो रही है, तो थोड़ी सी आज के लिए आपको कष्ट होगा कि थोड़ा सा आपको आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी, क्योंकि 5 मिनट की क्लास रह गई है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कहीं लेके नहीं जा सकता, तो इसीलिए थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एडजस्ट करें इस बात को, नेक्स्ट क्लासेस में किसी में नहीं आएगा, श्योर है। तो उसने बोला है, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, सर हमें समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। ये कह रहा है साहब सेल्स वैल्यू हमें 450 की दे रखी है थाउजेंड्स में, मतलब 450,000 की सेल्स है, 220,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, 160,000 का फिक्स कॉस्ट है और 70,000 का प्रॉफिट है। ये कब है, ये कब है साहब? सब लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में 70,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है। ये कहता है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपका 70,000 का प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर में क्या सोच रहा है कि आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। तो अगर 70,000 का प्रॉफिट है तो एमओएस तो कुछ होगा, ये 70,000 का प्रॉफिट किसी एमओएस की वजह से तो आया होगा। यस, तो उसने यही बोला है कि साहब ड्यू टू डाउन टर्न इन मार्केट कंडीशंस द कंपनी इज वरिड दैट नेक्स्ट ईयर, अगली साल, नेक्स्ट ईयर मे रिजल्ट इन लॉस, अगली साल लॉस हो सकता है क्योंकि रिसेशन आने वाला है, एंड वुड लाइक टू नो, और वो जानना चाहता है चेंज इन सेल्स दैट वुड मेक दिस हैपन, और वो जो लॉस होने वाला है आप मुझे बताओ आपकी सेल में कितना चेंज होगा। अभी सेल कितनी है? 450,000 की सेल है अभी, तो आपकी सेल में कितना चेंज आएगा कि आप लॉस, आपको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा? ये मोटा मोटी एमओएस पूछ रहा है, ये बीपी नहीं पूछ रहा, चेंज इन सेल पूछ रहा है, बीपी सेल नहीं पूछ रहा, चेंज इन सेल 450,000 में कितना चेंज होगा कि आपको लॉस आने लग जाएगा, तो ये पूछ रहा है एमओएस। अच्छा एमओएस सीधे सीधे नहीं पूछ रहा आपसे, कहता है द परसेंटेज फॉल इन सेल्स, द परसेंटेज फॉल इन सेल्स पूछ रहा है। ओहो बताए ना क्या आपसे परसेंटेज फॉल इन सेल्स पूछ रहा है? यस, आपसे परसेंटेज फॉल इन सेल्स पूछ रहा है। तो साहब एमओएस, एमओएस इज द सेल अमाउंट, ये चेंज अमाउंट है, सेल में गिरावट और टोटल सेल्स
यानी आपको एमओएस इन परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स पूछ रहा है, क्या रहा है ना, द परसेंटेज फॉल इन सेल्स दैट वुड बी नेसेसरी बिफोर द कंपनी वुड बिगन टू इनकर लॉस इज परसेंटेज में होता है वर्क टू टू डेसिमल प्लेसेस। क्या आप एमओएस परसेंटेज में नहीं निकाल सकते? पहले तो एमओएस ही निकाल लो, उसके बाद टोटल सेल्स में डिवाइड कर देना। तो साहब एक बात बताना, आपको 450 की टोटल सेल्स दे रखी है, 220 का वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आपको 230 का आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है? टोटल टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 230 है, तो आप नहीं निकाल सकते। देखना साहब, आपको एमओएस चाहिए, क्या चाहिए? एमओएस, तभी तो आप परसेंटेज निकालोगे। एमओएस आपको चाहिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज की बात करेंगे बाद में, चेंज इन सेल्स मींस एमओएस, परसेंटेज ऑफ एमओएस। ठीक, तो एमओएस कैसे इज इक्वल टू एमओएस निकालना है, तो एमओएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीवी रेशियो चाहिए, यानी आपका आपका फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एमओएस इंटू पीवी रेशियो। प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, दे रखा है कितना, 70,000 का प्रॉफिट दे रखा है। एमओएस आपको निकालना है इंटू पीवी रेशियो, कहां से निकलेगा इसको करेंगे आप वर्किंग नोट से, तो कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। साहब सेल्स हमें पता है, सेल्स वैल्यू कितनी बोलो, 450,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कितना, नहीं पता है, अरे 2,20,000। क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? यस, कितना, 2,30,000 का पीवी रेशियो क्या आएगा, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 450,000। बताइए सर क्या पीवी रेशियो है, जीरो पॉइंट फाइव वन 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 चलता ही रहेगा परसेंटेज। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यही अमाउंट उठा लोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका एग्जैक्ट फिगर निकल के आएगी, पीवी रेशियो कितना, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 450,000, तो एमओएस क्या आएगा बताइए साहब, 1,234,1,234, तो 70,000 में 45 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 23 से, कितना आ रहा है एमओएस, आ रहा है 1,36,956, 1,36,956 0.521 परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ एमओएस बता सकते हैं, परसेंटेज एमओएस की, परसेंटेज ऑफ एमओएस वो बोले ऐसे लिख लो, एमओएस परसेंटेज में सेल्स की 1,36,956 0.521 डिवाइड बाय 450,000 कितना आएगा, 30.44 परसेंट। कोई गिला, शिकवा, बेरुखी या नामुकर्रर अगर हो तो बताएं।
कोई बताएं, कोई गिला, सिकवा, बेरुखी या नामुकर्रर हो तो बताएं प्लीज। कम ऑन एवरीबॉडी, बताएं ना, कोई अगर समस्या हो तो बताएं, बोलो। ओहो बताएं, नहीं समझ पा रहे क्या आप, बोलो बोलो। यस, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।